हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके भाई मालाराम सर में। मैं मूलचंद प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम HSC ग्रुप डी के रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट पर या प्रैक्टिस सेट पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट पर अध्ययन कर लिया है। अब इसका चौथा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका जो है इस पर कोडिंग डिकोडिंग पे है। किस पे? कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग पे पहले भी हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये दूसरा कोडिंग डिकोडिंग पर प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखते हैं आज के अपने इस क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए आप, एक कूट भाषा में बैंकर को BANKER को बैंकर को NABRE लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में स्मूथ को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, बैंकर है BANKER, इसको क्या लिखा? बैंकर को NABRE RE K ये लिखा गया है। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो यही जो वर्ड्स हैं वापस इसी में दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। सारे के सारे वर्ड्स यही हैं जो इसमें रिपीट हो रहे हैं। अगर ऐसे वर्ड्स अपने पास आते हैं, उन्हीं अंकों का रिपीटेशन होता है, तो इनके ऊपर आप क्रमांक से लिख लें। जैसे ये अपने को 1 नंबर से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है। अब इनके जो चेंजिंग हुआ है वहाँ से इनके क्रमांक के आधार पर इनको देखो, पहले पे कितने 3 नंबर वाले को पहले पे लिखा है, उसके बाद ए कितने पे था, उसके बाद 2 नंबर वाले को लिखा है, उसके बाद बी कितने पे था अपना 1 नंबर पे आ रहा अपने क्रमांक के अनुसार, तो यहाँ लिख दो 1 नंबर पे। उसके बाद जो अपना आर है, आर अपना यहाँ 6 पे था, 6 वाले को लिख दो। उसके बाद ई जो है अपना 5 पे दे रखा है, यहाँ 5 पे लिखो। और के जो है अपने 4 वाले पे या ऐसे लिख दो, ठीक है। अब हमें स्मूथ का निकालना है। स्मूथ का हमें निकालना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, जो यहाँ चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसको कर दो चेंज। तो तीसरे नंबर वाला जो डिजिट है उसको पहले पे लिखो, यानी क्या आएगा अपने पास? ओ। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? एम, इसको लिखो। पहले नंबर पे कौन है? एस, इसको लिख दो। छठे नंबर पे कौन है? एच, इसको लिख दो। पांचवें नंबर पे कौन है? टी, इसको लिखो। और चौथे नंबर पे कौन है इसका? ओ, इसको लिख दो, ठीक है। यानी कि हमें देखना है सबसे पहले कि वही जो अपने पास वर्ड्स हैं यहाँ रिपीट होके आ गए, तो क्या करना आपको? उनको उनके उन अल्फाबेट्स को यहाँ अपने कोई भी सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें रख लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी डिजिट अपने पास उनके अकॉर्डिंग रख लो। उसके बाद इसमें चेक करो कि पहले कौन सा आया है, उसके बाद कौन सा आया है, ऐसे चेक करते हुए चलेंगे। और उसके बाद अपने पास क्या बना इसमें? स्मूथ को हमने उसके अकॉर्डिंग ही चेंज किया, तो बन गया OMSHTO। तो OMSHTO अपना कौन सा है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक कूट भाषा में रीड, यहाँ देखिए रीड RED, जो रीड है उसको क्या लिखा है? SGDH लिखा है। तो कहता है उसी कूट भाषा में स्वीप को क्या लिखा जाएगा? स्वीप, SWEEP, स्वीप को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ देखो, आर से एस पे, यानी कि प्लस का एक हो रहा है यहाँ। ई से FG, प्लस 2 बनाए यहाँ से। ए से BCD, प्लस का 3 बनाए यहाँ। और डी से H, यानी कि प्लस का यहाँ कितना बनाया इसमें सीरीज के अकॉर्डिंग? 4 बना दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें इनका अक्षर के क्रम को क्या करना है? चेंज करना है। एस के बाद कौन आएगा? टी। डब्लू के बाद 2 XY। ई के बाद कितने? 3 FGH। और इसके बाद 4 I। और ये अपने पास क्या है? पी। पी का 5 बनाना अपने को, तो पी कितने पे था अपने? 16, 5 21 पे कौन आ जाएगा? एस। यू आएगा इसमें IU, तो TYHIU कौन सा आ जाएगा अपना? बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी कूट भाषा में CAT, कैट को लिखा 48, तो 5 को क्या होगा? 5 का इसमें नंबरिंग। अब देखो ये अपनी नंबर जो रीजनिंग उस पे को पे आ गया, अब CAT इस पे ध्यान दो। सी वाला कितने पे है? 3 नंबर पे। ये कितने पे? 1 नंबर पे। और टी कितने पे अपना? 20 पे। जोड़ो सारों को एक बार, कितना होता है? 24, 24 हो गया, यानी इसका 2 से गुणा किया गया है। 24 को 2 से गुणा किया गया, कितना हो गया? 48 हो गया।
अब इसके बाद फाइव का हमें चेक करना है, तो फाइव के अल्फ़ाबेट का जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग का सबका लिखो। एफ कितने पे है? 6 पे। आई कितने पे है? 9 पे। वी कितने पे है? 23 पे। और ई कितने पे है? 5 पे। ये 22 पे होगा इसका, 23 पे नहीं, 22 पे। देखो इसको जोड़ो कितना हो गया अपने पास, 9 6 15 5 20 और 22 42, कर दो इसको 2 से गुणा, कितना हो गया 84 84। कौन सा आएगा अपना? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले क्या करना आपको, इनको अल्फाबेट का जो क्रम उसके अकॉर्डिंग चेक करो नंबर से, ठीक है। उनको जोड़ा तो कितना आ रहा अपने पास, 24 आ रहा, लेकिन हमें कितना दिखा रहा है यहाँ, 48, यानी कि इसको 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। ऐसे 5 के जो नंबरिंग है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना आ गया अपने पास 42। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 84 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखो, किसी कूटभाषा में सी ए बी को 13 लिखा, तो फीड को लिखा 41, तो मैन का पूछा इसमें इसका क्या आएगा। अब देखो यहाँ से सी ए बी पे, सी ए बी, यहाँ ध्यान दीजिए सी का कितना है यहाँ 3, ए का कितना है 1, बी का कितना हो गया यहाँ 2, ठीक है। अब वापस हम इनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर ऐड करना चाहें तो क्या बनाता अपने पास, वही 6 बनाता है, लेकिन यहाँ कितना है 13 आ रहा है, यानी कि 6 को 2 से करो मल्टीप्लाई प्लस 1, कितना हो गया 13 बना दिया इसको, ठीक है। ऐसे ही अपने पास जो फीड है इसका भी देख चेक कर लो एक बार कि यही सीरीज इस पर लग रही है क्या। फीड पे देखो एफ कितने पे, 6 पे, ये 5 5 और डी कितने पे हो गया 4 पे, यानी कितने हो गए 20, कितना हो गया ये 20 गुणा 2 करो प्लस 1 करो यानी 41, ये भी इसी सीरीज पर काम कर रहा है। तो हमें किसका बनाना है, मैन का बनाना है, एम ई एन इसका बनाना है। तो मैन के लिए देखो एम का कितना हो गया 13, इसका 5 और इसका 14, कितने हो गए अपने पास यहाँ 13 5 18 और 14 कितने हो गए 32, ठीक है। कितने से, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, प्लस 1 किया तो यहाँ 64 और ये कितने हो गए 65, यानी क्या आंसर आ जाएगा अपना इसका 65। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सीरीज में क्या था, कैब को 13 लिखा, तो हमने तीनों के पहले यहाँ नंबर के ऊपर बात आती है, इनकी नंबरिंग लिखो, तो 3, 1 और 2 नंबरिंग लिखने के बाद अपने पास क्या आ रहा है इनका, ऐड करें तो हम 6 आ रहा है, लेकिन हमें कितना पूछा जा रहा है यहाँ 13 दिया गया, तो 6 गुणा 2 प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया। ऐसे फीड का भी चेक किया हमने यहाँ से, तो 20 गुणा 2 प्लस 1 यानी कि 41 हो गया। और हमें निकालना किसका, मैन का निकालना, इनके क्रमांक यहाँ लिखें, उनको ऐड किया तो 32, 2 से मल्टीप्लाई किया 64 प्लस 1 यानी कि 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पांचवा, एक कूट भाषा में लर्न को ओ टी डी आई क्यू लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पियर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो लर्न को एल ई ए आर एन, ठीक है, इसको क्या लिखा इसने, ओ टी डी आई क्यू ये लिखा है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, ओ एल से ओ के ऊपर देखें, एल से ओ के ऊपर तो एम एन ओ यानी 2 प्लस करा है, लेकिन यहाँ ई के ऊपर हम देखें ई से टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कोई सीरीज यहाँ से बनती नहीं दिख रही है। तो आप क्या करें, लास्ट वाले से यानी कि जो रिवर्स कोडिंग है उसके ऊपर हम बात करें, तो लास्ट वाले से करो। देखो इसमें एन के बाद क्या जोड़ा, इसमें एन एन के बाद प्लस 1 किया तो बन गया ओ, ठीक है। R पे देखो प्लस 2 किया तो R S T प्लस के कितने हो गए 2। A से देखो, A से कितना यहाँ 3 जोड़े तो कितना हो गया अपने पास D प्लस का कितना हुआ यहाँ 3 जोड़ा गया, ठीक है। E से देखे तो हम यहाँ E से 4 जोड़ो इसमें E में तो कौन आ गया अपने पास I प्लस का 4। उसके बाद L से देखें 5 जोड़े इसमें तो कौन आ गया अपने पास यहाँ Q, इसमें आ रहा है इसका N का, तो L से दे दिया हमने यहाँ से Q दे दिया इसमें प्लस 5 के लिए, L की जगह लिख दो Q, ठीक है। अब यहाँ प्लस 5 के यहाँ से इसमें शामिल हो गया, यानी रिवर्स वाले पे सारा पैटर्न अपना चल रहा है, ठीक है। हमें किसका बनाना है, हमें बनाना है पियर्स का, P E A R S,
इनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिख लो, चाहे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर उसमें ऐसे ऐड करते रहो, या सीधे श्रेणी के अकॉर्डिंग कर लो। कौन से रिवर्स वाले से, तो एस के बाद क्या आएगा इसमें, टी, एक प्लस कर दो, दो प्लस करो, आर के बाद आर, आर में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, वही दो जोड़ेंगे तो टी आ गया, ठीक है। उसके बाद ए में तीन जोड़ो, ए में तीन, इसमें दो जोड़ दिया, इसमें प्लस वन, इसमें प्लस का थ्री करो, तो कौन आ गया इसमें, डी, ठीक है, डी आ गया। उसके बाद कौन अपना ई पे देखो, चार जोड़ो, ई पाँच पे चार नौ पे जोड़ो, तो आई आ जाएगा अपना, यानी कि आई आ गया प्लस चार करते। पी वाले के लिए हम प्लस का पाँच ले, तो पी में प्लस पाँच जोड़ कितना आ जाएगा, अठारह नंबर वाला, यू वाला इसमें लिख दो यू, तो टी टी डी आई यू, कौन सा बना अपने पास, पहला ही ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। तो ऐसे सीरीज के अकॉर्डिंग प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इसमें बन रहा है उसी से, और कौन से साइड से चल रहा है, रिवर्स वाले से चल रहा है, कौन चल रहा है, रिवर्स वाले से, किसी में फर्स्ट से स्टार्ट से या किसी में रिवर्स से, तो उसको रिवर्स के अकॉर्डिंग काउंट कर लेना चाहिए अपने को। छठे में देखो, कूट भाषा में होम को, अब होम जो है एच ओ एम ई, होम को क्या लिखा इसने, होम को लिख दिया इसने ई एल जे बी। अब यहाँ देखो हम इसमें आपस में संबंध दर्शाएं एच का ई के साथ, तो क्या हो रहा है अपने पास, माइनस का तीन हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, माइनस का तीन हो रहा है, ई एफ जी एच यानी कि माइनस के तीन इसमें घट रहे हैं। अब इससे इसका माइनस तीन हो रहा है, इससे इसका भी माइनस तीन हो रहा है, इससे इसका भी माइनस का क्या हो रहा है, तीन हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो लॉइन का निकालना है, एल आई ओ एन, ठीक है, तो इससे तीन कम करो, एल आई ओ एन से, इससे एल से तीन कम करें क्या आएगा, आई पहले का आ गया, आई माइनस तीन करते क्या आएगा इसका, आई आएगा, आई से करो तीन कम, तो कौन सा जाएगा, एफ। उसके बाद आ रहा अपना ओ, ओ से करो तीन कम, तो कौन सा अपने बारह नंबर पे, एल, और उसके बाद एन से करो अपना तीन कम, तो अपने पास आ जाएगा इसमें के, आई एफ एल के, ऑप्शन हो गया अपना बी। इसी सीरीज के अकॉर्डिंग माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन सब में से घटाते चलेंगे, तो आई एफ एल के इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी कूट भाषा में डायग्नोज को, डायग्नोज देखो डी आई ए जी एन ओ एस ई, डायग्नोज को क्या लिखा इसने, ए डी ई जी आई एन ओ एस। अब अगर हम यहाँ इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सीरीज की बात करें, अक्षरों क्रम में वाइज लिखे करें, तो एक दो तीन चार के पास है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ तो इसमें कितने आ रहे हैं अपने पास, सात, रिमूवल का पूछा है, रिमूवल का, और हाँ इसमें रिमूवल में कितने आ गए अपने पास, इसमें तो कितने हैं अपने पास है? सात ही हैं, और इसमें कितने हैं, आठ, यानी ये अगर हम सीरीज इस पर अप्लाई करते हैं ये पैटर्न, तो इस पर सक्सेस नहीं है। तो क्या करना, आप इनको देखो कि अक्षरों का जो क्रम वो किस प्रकार से, तो ए डी ई जी आई एन ओ एस, यानी हमें इनको किस प्रकार से लिख के बताया गया, यहाँ जो अल्फाबेट उसके बढ़ते क्रम के अनुसार, तो लिख दो इसको भी बढ़ते क्रम के अनुसार। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ए आएगा, उसके बाद ई, ए बढ़ता क्रम बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं इसका, अल्फाबेट का बढ़ता जो क्रम है शुरुआत से, तो उसके बाद इसका ही बनाओ रिमूवल का भी, तो क्या आ जाएगा, ए ई एल एम ओ आर वी, ए ई एल एम ओ आर वी, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, अल्फाबेट्स में क्या सीरीज बनाई गई डायग्नोज की, कि अल्फाबेट की जो सीरीज है वो बढ़ते क्रम में उसी प्रकार से इनको दे रखा है, तो उसी हिसाब से हमें भी इसको रिमूवल को भी लिख देना है उसी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कूट भाषा में चार्ट को, चार्ट सी एच ए आर टी, चार्ट को क्या लिखा है इसने, टी आर ए सी एच। इसमें देखो अक्षरों का क्रम बढ़ते हुए घटते क्रम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इस पर क्या करें, नंबरिंग कर ली, वन टू थ्री फोर फाइव। अब पहले कौन आया इसमें, पाँच नंबर वाला है, उसके बाद कौन आया, चार नंबर वाला, उसके बाद कौन, तीन नंबर वाला, उसके बाद एक नंबर वाला, उसके बाद कौन आया, दो नंबर वाला इसमें आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें किसको लिखना है, वर्ल्ड को लिखना है, W O R L D, वर्ल्ड को भी इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी पाँचवें नंबर वाला सबसे पहले पे लिखो D, सबसे पहले क्या लिखो, D लिखो, उसके बाद
नंबर चार वाला कोण है एल, वो लिख दो, नंबर चार वाला एल। तीन नंबर वाला कोण है आर, उसको लिखो। उसके बाद एक नंबर पे कौन है इसमें डब्लू, डब्लू को लिखो। और उसके बाद अपने को दो नंबर वाला कोण है ओ, उसको लिखो। तो डी एल आर डब्लू ओ, डी एल आर डब्लू ओ, यानी कि बी, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा अपने को, चार्ट को टी आर ए सी एच लिखा हुआ है, तो हमें किसको वर्ल्ड के लिए पूछा है। तो क्या करना है अपने को, ध्यान से देखिए, इसमें हम चार्ट वाले को इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो सारे डिजिट, सारे जो अल्फ़ाबेट है वो वही हैं। तो उनको क्या करें, आप संख्या के अकॉर्डिंग लिख लें, मान के नंबरिंग कोई भी डाल दें, एक दो तीन चार पाँच, तो उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखने पर आपको क्या मिलता है इसमें, पाँच चार तीन एक दो, इस सीरीज में अपने को ये मिलता है। तो हमें वर्ल्ड को भी इसी प्रकार से पहले पाँचवें नंबर वाला, फिर चार नंबर वाला, फिर तीन नंबर वाला, फिर दो नंबर वाला और फिर एक नंबर वाला अल्फाबेट वहाँ सेटअप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी कूट भाषा में ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन को क्या लिखा है इसने, ट्रेन को लिखा है 21 19 21 0 15। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, इसमें अक्षर अपने पास कितने, पाँच, और यहाँ अपने पास कितने आ रहे हैं इनकी सीरीज में, दो दो चार दो छः और तीन नौ, नौ अक्षर इसमें संख्या के रूप में आ रहे हैं। यानी हमें अक्षर का जो क्रम है वो देखना है, टी कितने पे आता है 20, तो 20 प्लस एक लिखा है यहाँ, यानी कि 20 प्लस एक लिखा है यहाँ। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, तो इसका भी प्लस एक किया गया, 18 का भी प्लस एक किया गया है। एक का भी, ए एक पे है, इसका भी प्लस एक किया गया है। आई जो है अपने पास 9 पे है, इसका भी प्लस का एक कर दिया है। एन जो अपने पास 14 पे है, इसका भी प्लस एक कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें किसका बेंच का बताना है, किसका बताना है, बेंच का, बी ई एन सी एच, बेंच का बताओ इसमें। तो बी 2 पे है तो क्या लिखेंगे इसके लिए 3, ई 5 पे है तो इसका एक बढ़ा के लिखो 6, एन 14 पे तो इसका एक बढ़ा के लिखो 15, सी 3 पे तो एक बढ़ा के लिखो इसका 4, एच जो अपना 8 पे है इसका क्या लिखना अपने को 9, 8 को क्या लिख दो 9 लिख दो। ठीक है, इसमें जो क्या था कि जो अक्षरों का अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग जो क्रम था उस सब में एक एक को बढ़ा के दिया, लिखा गया है, तो आपको भी बढ़ा के लिख देना। इसमें बी 2 पे था 3 कर दो, ई 5 पे था 6 पे कर दो, एन जो 14 पे था इसको 15 कर दो, ठीक है, सी 3 पे था इसको 4 कर दो, एच 8 पे इसको क्या कर दो 9 कर दो, तो 13, इन सबको मिला के मैंने अपने पास 36 15 49, कौन सा अपना ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी कूट भाषा में स्पेस, एस पी ए सी, स्पेस को लिखा है 44, तो देखो स्पेस एस पी ए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है इसमें तो हमें क्या करना है, इनके जो नंबरिंग है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए एस कितने पे अपने पास 19 पे है, पी कितने पे है 16 पे है, ए कितने पे है 1 पे है, सी 3 पे, और ये कितने पे 5 पे। एक बार इन सभी को जोड़ो, कितने हो गए 35, ठीक है, और ये कितने हो गए अपने पास 6, और 8 कितने, यानी 44, कितने हो गए 44, यानी कि 44 हो गए। हमें किसका निकालना है, लर्न का निकालना है, एल ई ए आर एन, यानी इन सभी को क्या किया गया, सिर्फ जोड़ा गया है, सिर्फ क्या किया गया है जोड़ा गया। तो आप इनको भी क्या करें, इनकी नंबरिंग लिखें, अल्फाबेट का जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग इनका क्या जो क्रमांक वो लिखें, और इनको क्या कर दो जोड़ दो सिर्फ। तो देखिए एल का कितना है 11, ई का 5, ए का 1, आर का कितना है 18, और एन का 14, सभी को क्या कर दो जोड़ दो, तो 16 17 18 कितने हो गए इसके पास 35 49, यानी कितना इसमें 49 इसमें, तो इसमें 40 की जगह 49 बनाना पड़ेगा, इसमें ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर से देखिए, इसमें एल जो अपने पास इसमें ये 12 था, तो 50 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 50, 12 5 1 18 और 14 अपने पास क्या हो जाएगा 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें सारे जो अल्फाबेट उनको सिर्फ सीरीज के अकॉर्डिंग लिख के ऐड करना है। नेक्स्ट देखो, प्रिंस को क्या लिखा है इसने, पी आर आई एन सी ई, प्रिंस को लिखा है इसने क्या सी सी ए एल सी ए एल जी पी एन, ये लिखा है, तो कहता है रोहन को क्या लिखा जाएगा।
अब देखो पी का सी से कोई आपस में संबंध बहुत दूर दूर तक यानी नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हमें क्या करें इसको लास्ट वालों से देख लेना है इसको, यानी कितना कम हो रहा है यहाँ माइनस का दो, ठीक है। यहाँ से इसका भी देखो कितना हो रहा है माइनस का दो, इसके साथ को अपना रिलेशन है माइनस का दो, आई के साथ जी का क्या है माइनस का दो, आर के साथ भी कितना बना रहा है इसमें माइनस का दो, सब के साथ माइनस दो की सीरीज इसमें बन के आ रहा, तो हमें रोहन को भी क्या कर देना है माइनस दो के अकॉर्डिंग सबको लिख देना है, ठीक है। तो आर से पहले इसमें माइनस दो करो पी, शुरुआत लास्ट वाले से करनी अपने को, तो एन से पहले वाले का लिखो पहले एल, ए का लिखो ए से दो कम करो तो जेड और वाई, एच का लिखो एफ, उसके बाद अपना ओ का लिखो ओ से एन ओ तो यानी कि एम, और आर का लिखो पी, एल वाई एफ एम पी, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि जो माइनस दो की सीरीज है लास्ट वाले से स्टार्ट करके और सभी पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना नेक्स्ट को लिखा है नेक्स्ट एन ई एक्स टी, नेक्स्ट को क्या लिखा है एम ओ डी एफ डब्ल्यू वाई एस यू। अब देखो यहाँ चार अक्षर है, यहाँ कितने हैं आठ अक्षर है, यानी कि एक अक्षर के लिए इसने दो अक्षरों को चिन्हित किया है। तो देखो एन, एन वाला क्या है अपने पास, एन से नेक्स्ट कौन आएगा ओ, इससे पहले वाला कौन है एम, यानी कि इसने अक्षरों का जो सीरीज किस प्रकार बनाया ऐसे ई वाले के लिए देखिए हम, ई वाले के लिए तो ई से पहले कौन आएगा, इससे लास्ट में कौन आएगा एफ, और पहले कौन डी, यानी कि सब में पहला और आखिरी अक्षर की सीरीज में बना के लिखी हुई। तो फायर के लिए हम लिखना चाहिए यहाँ एफ आई आर ई, तो इससे पहले ई, इससे बाद एफ के बाद जी, आई से पहले एच, इसके बाद कोण जे, आर से पहले क्यू, इसके बाद कोण एस, ई से पहले कोण डी, इसके बाद कोण एफ, यानी इस अपने पास क्या बन के आएगा ई जी एच जे क्यू एस डी एफ, ई जी एच जे क्यू एस डी एफ, ये आ जाएगा अपना बी वाला। नेक्स्ट देखो फैक्स को एफ ए एक्स, वही अक्षर तीन है और यहाँ कितने अपने पास ई जी जेड बी डब्ल्यू वाई, यानी कितने तीन के लिए वही छः की सीरीज बना रखी है यहाँ, तो इनको भी चेक करो पहले और आखिरी वाले से, तो एफ से पहले कौन ई, इसके बाद कौन जी, ठीक है, वही पहले और आखिरी यानी पिछले क्वेश्चन की जैसी सीरीज इसमें बन के आ रही है, तो आप इस कीन का भी बना दो यहाँ एस के आई एन के लिए क्या लिखेंगे, इससे पहले कौन आएगा आर, इसके बाद कौन आएगा टी, के वाले से पहले और बाद का लिखो तो के से पहले जे, और इससे पहले इसके बाद वाला एल, आई से पहले एच और इसके बाद जे, एन से पहले कौन आएगा एम और इसके बाद ओ, यानी आर टी जे, आर टी जे एल एच जे एम ओ, यानी कि ऑप्शन डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 14 पे मैच को एम ए टी सी एच, मैच को क्या लिखा इसने एन सी डब्लू जी एम, यानी एम से इसमें प्लस का एक किया है, यहाँ प्लस के दो, यहाँ कितना प्लस का तीन, और यहाँ चार, और इसमें कितना प्लस का पाँच किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इससे लीव का भी बना दो एल ई ए वी ई, इसका लिखेंगे एल में एक जोड़ो एम, ई में एफ जी, ए में तीन जोड़ो सी डी, डी डी लिखो इसका, वी का लिखो इसमें चार जोड़ो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ई का लिखो पांच जोड़ो इसमें, यानी कि दस पे कौन आएगा इसका जे, तो एम जी डी जेड जीरो डी जेड जे, पहला ही ऑप्शन एम जी डी जेड जे, इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा इसी सीरीज के अकॉर्डिंग, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस फाइव,
ये जो सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग इसको लीव को चेंज कर देना है, एम जी डी जेड और जे, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आज क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, धन्यवाद।